कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी से परेशान हो जाता है तब वो न सिर्फ भगवान से बल्कि अपने तमाम आसपास के लोगों से मरने की दुआ मांगता है या इस प्रकार की कुछ बात करता है ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कहना है कि अगर हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम शासन से प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं आखिर क्यों वो इस मांग पर पहुंचे? जानेंगे उन्हीं से भाई साहब इच्छा मृत्यु की आपने मांग करी है क्या कारण है कि आप इस नतीजे पे पहुंचे हो हम 2000 से साक्षरता प्रेरक हैं साल 2000। यानी कि 24 साल और 31 मार्च 2018 को हमें बेदखल कर दिया बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया हमें और अब तक हम बेरोजगार घूम रहे हैं शासन प्रशासन से मांग की है कि हमें रोजगार दे दो गत वर्ष का जो पूर्ववर्ती सरकार में जो बजट पेश किया गया था उसमें हमारी दस परसेंट की मानदेय बढ़ोतरी प्रेरकों के नाम से की गई है कौन से उससे हो आप। विभाग से साक्षरता विभाग से तो क्या काम रहता था आपका हम प्रोड़ों को पढ़ाते थे ढाणी में उनको शिक्षा ज्ञान देते थे पंद्रह साल से ऊपर तक के प्रौढ़ महिला पुरुषों को हम पढ़ाते थे, थे हमारी नियुक्ति ग्राम पंचायत के तहत ग्राम सभा में हुई है और हमें तीन सौ रुपये शुरू में मान दे दिया गया था उसके बाद में दो हज़ार दिया गया दो हज़ार के बाद में पाँच सौ रुपये स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने हमें पाँच सौ रुपये में, में पुस्तकालय वासना लेकर संचालन करने के लिए दिए गए ये कौन से साल की बात है जब आपको पाँच महीने का दो हज़ार के बाद में दो हजार बारह में, में मान्य हाई कोर्ट के फैसले से वापस लगे स्क्रीनिंग कमेटी में हमारा नाम हुआ उसके बावजूद भी हमें हटा दिया गया है और अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है आज भी हम जारी कर करके हम लगाया गया था 2013 से हमें पाँच सौ शहर पाँच सौ रूपए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने दिए जो कौन से साल की बात है दो हजार तेरह में पाँच सौ रूपए आप सबके खाते में आए सबके खाते में आए वो कितने महीनों तक आए वो दो तक हाँ और दो हजार देते थे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि करीब ढाई हज़ार रुपये ढाई हजार में हमने काम किया पूरे दिन आई टी सेंटर में बैठे जहाँ पंचायत वाले सरपंच सचिव जो भी हो पूरा काम लिया हमसे उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन हो या नरेगा हो या राशन कार्ड बनवाना हो सब में हमको हर तरीके से काम मिलिया और फिर दो हजार अब जो अब आप, आपकी जो जो मूल समस्या है वो समस्या क्या मूल है मूल समस्या है कि हमें रोजगार दिया, दिया, दिया जाए क्योंकि आज हमारी उम्र कम से कम अड़तालीस साल किसी की पचास साल किसी की बावन तिरपन पैतालीस तो अब बताओ हम क्या काम करें अब कब से आप बेरोजगार है दो हजार अठारह से इकतीस मार्च दो हजार अठारह को मैं हटा दिया गया छह साल का समय हो गया छह साल का समय हो गया राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने जो आपको जो मानदेय दिया था क्या उसमें कभी बढ़ोतरी भी हुई कभी बढ़ोतरी नहीं की उसमें और जो दिया वो भी लगभग चौबीस चौबीस महीने का बकाया है वो भी आया नहीं अभी तक वो दो हजार रुपये भी नहीं आई बताओ क्या केंद्र क्या क्या? सरकार और राज्य सरकार मिला के जो आपको ढाई हजार रुपये भी दिया था पाँच साल तक तो वो आया, आया। उसके बाद वो भी नहीं आया वो हटा दिया वो आज तक वो पैसा भी नहीं आया हमने काम किया जिसका पैसा नहीं दिया हटा दिया वो तो अलग है लेकिन काम किया उसका पैसा भी नहीं दिया आप यहाँ पर आप आए हैं आज भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं है। पैसे नहीं थे हमारे पास समय नहीं था तो हमने आज से लिख के और हमको कह दिया अभी रद्दी के टोकरे में डाल दी जाएगी अभी बोला। ये रद्दी के टोकरे में डाल दी जाएगी मजबूर कोई कार्रवाई नहीं होती है इस हिसाब से हमने लिख दिया तो जल्दी जल्दी में कर दिया हमने काम ये उस पर हमने बार भगा दिया कि बोला अब 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 मान लीजिए यहाँ यहाँ से अगर आपको मान लीजिए कोई समाधान नहीं मिलता है तब आगे अब आप लोग क्या करने वाले हैं आगे तो जैसा संगठन में प्रेरक लोग कहेंगे वैसे हैं हमारा तो महामहिम भी नहीं सुनती है हमने लेटर डाल दिया गया है और ये सरकार के पास भी आ चुका है कुछ दांडी यात्रा की आप बात कर रहे आ, थे दांडी यात्रा भी निकालने की सोच रहे हैं जब कार्रवाई नहीं होती तो ये शासन सचिव के नाम लिखा है प्रमुख शासन सचिव के नाम लिखा गया है राष्ट्रपति कार्यालय से इस पर भी अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है तो मजबूर होकर के जिला टोंक से या जे जयपुर से पैदल दांडी यात्रा निकाल लेंगे महा मह के पास हमारी अर्जी लेकर के जाएंगे हम तो सरकारों से परेशान हो चुके हैं बिल्कुल सरकार नहीं सुनती हमारी कांग्रेस भी आई वह भी नहीं सुनी फिर बीजेपी आई नहीं सुनी फिर कांग्रेस आ गई नहीं सुनी फिर ये बीजेपी आ गई जन जनसुनवाई में आए हैं यहाँ भी है और हर बार जो बजट दार दार था गहलोत जी ने पिछला जो बजट किया पाँच साल में दस परसेंट बढ़ोतरी करते हैं हमारी लेकिन ये, हमें रोजगार तो है नहीं कहाँ वो कहाँ करते हैं दस परसेंट बढ़ोतरी ये प्रेरक का नाम है इसमें होंगे संविदा कर्मियों के आप देख सकते हैं साल दो हजार जनवरी का ये अखबार में खबर छपी थी संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि इनका मानदे नहीं बढ़ाने हमें बेरोजगारी कर दिया बेरोजगारी कर, कर, कर दिया नहीं, हाँ। नहीं कर सकती गवर्नमेंट तो कम से कम हमें मुख्यमंत्री जी महोदय समय दे समय के लिए हम बार बार कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमें दो आधे घंटे का समय भी देते हम अपनी पीड़ा बता दें उनको ये भी हो सकता है तो कह दिया कि चलो नहीं आपको लगाएंगे नहीं तो चलो हम फ्री हो जाएंगे भाई अब चलो छोड़ दे पीछा भाई कुछ नहीं होगा जाहिर सी बात है अब इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि साल 2000 में इनकी नौकरी लगी थी और एक बहुत हम कह सकते हैं मामूली सी रकम पाँच सौ रुपये स्टेट गवर्नमेंट दो हज़ार रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि कुल मिला के ढाई हज़ार रुपये इनको मिल रहे थे वो भी सिर्फ पाँच साल तक मिले उसके बाद मैंने कोई रुपया नहीं मिला और इनका साफ़ तौर पर कहना है कि 2018 के बाद में इनकी जो नौकरी है वो समाप्त कर दी गई लेकिन अब इनकी जो मांग है वो ये सिर्फ इतनी सी मांग है कि या तो आप हमें मना कर दें कि हम आपकी नौकरी को दोबारा बहाल नहीं कर सकते यानी कि साफ़ मना कर दें तो ये भी बार बार इधर उधर के चक्कर ना काटे और अगर आप मना नहीं कर सकते तो इनको एक समय अवधि बताई जाए कि इस समय तक हम आपकी नौकरी को बहाल कर देंगे और आपका जो भी जमा पैसा है वो आपको पुनः दे दिया जाएगा वरना अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से आज़ादी के आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी उसी प्रकार की दांडी यात्रा का हम कह सकते हैं एक स्वरूप ये अपने ज़िले टोंक से लेके राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक निकालेंगे राष्ट्रपति महोदया से अपनी गुहार लगाएंगे और उसके बाद भी अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था इच्छा मृत्यु की ये बात कर रहे हैं अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इनकी सुनवाई होगी या फिर इच्छा मृत्यु की जो इन्होंने बात कही है ये उस पर अग्रसर हो जाएंगे सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर जनता दरबार